हेलो गाइस, आपका स्वागत है अमीनुल लश्कर चैनल में। मानस नेशनल पार्क का नाम मानस नदी से उत्पन्न हुआ है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो नेशनल पार्क के बीच से होकर गुजरती है। मानस नेशनल पार्क 1 अक्टूबर 1928 को 360 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रों के साथ एक नेचर रिजर्व घोषित किया गया था। मानस बायो रिजर्व 1973 में बनाया गया था। नेचर रिजर्व की घोषणा से पहले यह एक रिजर्व फॉरेस्ट था, जैसे मानस रिजर्व फॉरेस्ट और नॉर्थ कामरूप रिजर्व फॉरेस्ट। इसका इस्तेमाल कुछ बिहार के शाही परिवार और गौरीपुर की राजा ने शिकारगाह के रूप में किया था। 1951 में और 1955 में इस क्षेत्रों को बढ़ाकर 391 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया। इससे यूनेस्को द्वारा दिसंबर 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। कईतामा रिजर्व फॉरेस्ट, कोकिलाबाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट और पानबाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट मानस नेशनल पार्क बनाने के लिए वर्ष 1990 में जोड़ा गया था। 1992 में यूनेस्को ने बारह अवैध शिकार और आतंकवादी गतिविधियों के कारण इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया। 25 फरवरी 2008 को इस क्षेत्रों को 950 किलोमीटर स्क्वायर तक बढ़ाया गया था। 21 जून 2011 को इससे डेंजर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची से हटा दिया गया था और संरक्षण में इसके प्रयासों के लिए इसके सराहना की गई थी। नेशनल पार्क के मूल में केवल एक बनगांव पेगारंग है। इस गांव के अलावा 56 और गांव पार्क को घेरते हैं। कोई और गांव सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से पार्क पर निर्भर है। भारत में आसाम राज्यों में पार्क क्षेत्रों निम्नलिखित जिलों में आता है, चिरांग, बक्सा, कुकराझार और बंगईगांव। पार्क को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पश्चिम रेंज पानबाड़ी में आधारित है। बरपेटा रोड के पास बांसबाड़ी में केंद्रीय और पाठशाला के पास बुइयापाड़ा में पूर्वी। रेंजेस अच्छी तरह से जुड़ी नहीं है, जबकि दो प्रमुख नदियों को केंद्रों से पानबाड़ी जाने के लिए जली होने का आवश्यकता है। केंद्रों से पूर्वी सीमा को जोड़ने के लिए एक कठिन रास्ता है। अधिकांश विजिटर्स बांसबाड़ी आते हैं और फिर भूटान की सीमा पर मानस नदी पर मातांगुड़ी में जंगल के अंदर कुछ समय बिताते हैं। मानस पूर्वी हिमालय की फुट हिल्स में स्थित है और घनी जंगल है। मानस नदी पार्क की पश्चिम से होकर बहती है और इसके भीतर की मुख्य नदी है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और मैदानी इलाकों में पहुँचते ही दो अलग अलग नदियाँ बोरसी और बुलखुदुबा में विभाजित हो जाते हैं। पांच अन्य छोटी नदियाँ भी नेशनल पार्क से होकर बहती है, जो बाहरी हिमालय के फुट हिल्स से नीचे फैली हुई 114 निचले स्तर की छत पर स्थित है। मानस नदी भारत और भूटान को विभाजित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में भी कार्य करती है। उप हिमालय बाबर तराई के गठन नदी के उत्तराधिकार से साथ उप हिमालय पर्वत बांध तक जारी रहने के कारण ये दुनिया में बायोडाइवर्सिटी के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। पार्क 950 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रों में है और यह सी लेवल से 61 to 110 मीटर्स या 2000 to 361 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मिनिमम टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। मई से दिसंबर के बीच बहुत बारिश होती है। वार्षिक औसत वर्षा लगभग 333 सेंटीमीटर है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग फुल वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को।